भाई थोड़ा सा रिस्क लेके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और ये रिवर है जो मेरे बीच में और जस्ट सामने गुलदार है अपने बच्चों के साथ। तो गाइस देखिए, माँ और उसके बच्चे बच्चे कैसे अपनी माँ के साथ खेल रहे हैं। क्या शिकार किया था आप बता रहे थे? नहीं, बकरी बकरा मार रहे हैं। अरे मेरे सामने, आपके सामने की बात है? हाँ। और दिन के टाइम में, रात की? दिन के टाइम में। दिन के टाइम में? हाँ। अच्छा, आप बकरी चराने गए हो। और गाइस यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर खेती कर रखी है, और यहाँ पे जंगली जानवर की भी प्रेजेंस है। और तो ये रास्ता जा रहा है ये ऐसे करके, वहाँ पे विलेज है उस साइड पे हम जाएंगे, और वहाँ लोकल से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। Hey guys, welcome back to our YouTube channel Wildlife D-Zone. मैं आपका फैन एंड होस्ट दीपांकर खुलवे स्वागत करता हूँ आप सभी का आप लोगों के YouTube चैनल Wildlife D-Zone में। तो दोस्तों देखिए, मौसम कितना अच्छा है और बरसात इतनी अच्छी हो रही है पहाड़ों की तरफ, और जो ये मौसम है उसका कहना क्या है। और अगर हम आपको ऐसी चीज़ दिखाएंगे जो कि इस मौसम का मजा 100 गुना कर दे, तो क्या कहेंगे आप? तो ये मेरा कैमरा सेटअप अभी लगा रखा है, और पहाड़ के उस साइड हम अभी देख रहे हैं लेपर्ड के बच्चे, यानी कि गुलदार के बच्चे, जो कि हम अपने कैमरे से शूट कर रहे हैं और जिसकी क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का एरिया है, और ये एक रेजिडेंशियल वाला ही एरिया है। आप देख सकते हैं हम जहाँ पे रुके हुए हैं, और यहाँ हमने कैमरा सेटअप किया है, और सामने वो पहाड़, वहाँ पे लेपर्ड की मूवमेंट है, उसकी गुफा है तेंदुए की, और बीच में रिवर जा रही है, और उसको जस्ट क्रॉस करके वहाँ पे वाइल्ड लाइफ है, और वाइल्ड लाइफ है इतनी ज़बरदस्त ना। अभी उसके बच्चे कुछ मंथ के ही, 1 महीना ही हो रहा है गेस, 2 बच्चे अभी तक हमें दिखे हैं। उसकी मदर तो अभी नहीं दिख पाई, तो लेकिन हम ट्रैक करेंगे अभी दोबारा से। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ, और जल्दी हम इवनिंग में भी इस लोकेशन के आसपास आपको नाइट ड्राइव करके दिखाएंगे, तो आप लोग बने रहिएगा। हम भैंस क्या कहाँ देख रहे हैं बच्चे? क्या मंजर है यार। हाँ तो गाइस ये देखो कैसे छुपी है, आप लोग भी पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन जहाँ पे मैंने ग्रीन बॉक्स बना रखा है उसके जस्ट सेंटर में ये बाघिन लेपर्ड छुपी हुई है। गाइस ये रिवर है, और उसके पार जो ये पहाड़ देख रहे हैं ना, जहाँ पे वो पेड़ है, ये वाला पेड़, यहीं पे लेपर्ड के 2 बच्चे हैं, और उसकी माँ अभी ये पेड़ के बगल पे जस्ट बैठ गई है और कोशिश कर रही है हमसे छुपने की। और भाई थोड़ा सा रिस्क लेके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और ये रिवर है जो मेरे बीच में और जस्ट सामने गुलदार है अपने बच्चों के साथ। तो मैं उसके आसपास तो बिल्कुल जाने की गलती नहीं करूँगा, क्योंकि लेपर्ड अपने बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा सतर्क होती है और अटैक कर सकती है कभी भी। तो बस यहाँ तक आने का मैंने रिस्क लिया है, इससे आगे नहीं जाएंगे, और जो शॉट्स मुझे मिलते हैं मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और यार जो गुलदार होता है यानी कि लेपर्ड, पहाड़ में इनको कुकरी बाघ भी बोला जाता है, क्योंकि ये कुत्तों का बहुत आसानी से शिकार कर लेते हैं रात को घरों से, और ये कैमोफ्लैग में इतने ज़्यादा माहिर होते हैं। तो उसका ये परिणाम है कि सबसे ज़्यादा आबादी वाला भी लेपर्ड है, क्योंकि वो अपने को बचाने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम है, और किसी भी टेम्परेचर में किसी भी कंडीशन में अपने को ढाल सकता है। तो यहाँ भी हम बहुत बड़ा एग्जांपल देख रहे हैं कैसे वो लोगों के बीच में, घर के बीच में, इस पहाड़ में रहता है, और उसकी जनरेशन चले आ रही है इसी एरिया में। और भाई मतलब अभी ऐसा सीन है ना, उसने अपने को ऐसे छुपा दिया है ना, बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक नज़र नहीं जा रहा है, और मैं
अगर यहाँ वेट करूँगा तो शायद मुझे नज़र आ जाए, लेकिन अभी तक तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। पेड़ के पीछे ऐसे अपने को छुपा रखा है। तो ये एक कैमोफ्लैक यानी कि छद्म प्रवृत्ति, छुपने वाली प्रवृत्ति का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो मैं आप लोगों को वो क्लिप दिखाता हूँ जो मैंने अभी कैप्चर की है, और बहुत ही ज़बरदस्त है यार, मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम ये मोमेंट मिलता है देखने को, तो जिसका मैं साक्षी हुआ। और जो लेपर्ड है, मदर लेपर्ड, और उसका और बच्चों का प्यार देख के मतलब काफ़ी अच्छा लगा। हालांकि चार के बच्चे को खेल रहे बच्चे के साथ, तो गाइस देखिए माँ और उसके बच्चे, बच्चे कैसे अपनी माँ के साथ खेल रहे हैं। क्या मंजर है यार, हाँ गजब आ रहा है, गजब। कटते हुए दिखा रहा था, और ये है देखिए वहाँ पे लोग भाग जा रहे हैं, और यहाँ पहाड़ में तेंदुआ बैठा हुआ है। अरे लोग आ रहे, लोग तो गाइस अभी मेरे साथ जो भैया है, आपका नाम भैया? हरीश जी। तो ये जस्ट इंसिडेंट बता देते, अभी हम लेपर्ड को शूट कर रहे हैं, तो पहले तो ये पूछते हैं कि ये गांव के इतने आसपास रहते हैं, कभी इसने ह्यूमन पे अटैक किया है या कभी ऐसा कुछ हुआ है, हादसा नहीं हुआ है ऐसा कभी नहीं हुआ। तो देखिए गाइस, हर कोई बाघ या टाइगर या लेपर्ड हमलावर नहीं होता है, साफ सबूत है, क्योंकि हमारे इतने पास से हम शूट कर रहे हैं ना उसे। और इनसे ये पूछते हैं कि इनके साथ इंसिडेंट हुआ था, क्योंकि जानवर है तो वो खाना खाता ही है, कैटल्स पालतू जानवरों पर भी डिपेंड होता है, तो क्या शिकार किया था आप बता रहे थे? एक बकरी बगरा मार गया था। अरे मेरे सामने, आपके सामने की बात है? हाँ। और दिन के टाइम में, रात की? दिन के टाइम में। दिन के टाइम में? हाँ। अच्छा, आप बकरी चराने गए होंगे? मैं बकरी चराने गया था। तो देखिए कितने खौफ की बात है कि मतलब भैया बकरी चरा रहे थे और उनके सामने ही लेपर्ड ने एक अटैक किया और मार दिया, तो एक बहुत बड़ी चीज़ है यार मतलब। तो उसके बाद भी इनको उसके लिए कोई नफरत नहीं है? हम लोग भी ये समझते हैं ना, वो एक खाता था, हमारे घर दो पैदा करती है। सही बात है। तो ये चीज़ है बहुत बड़ी चीज़, और ये चीज़ सबको समझनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति का नियम ही ऐसा है, उनको बनाया कोई ख़ास मकसद से और हमें भी, तो हमें अपना मकसद नहीं भूलना चाहिए, और इनको तंग ना करें तो ज़्यादा बेस्ट है। गाइस तो हमने अभी शूट कर लिया था लेपर्ड को, और मेरे साथ है आशुतोष भैया, अपना फ्रेंड। तो अभी हम एक विलेज में जा रहे हैं, आप लोगों को भी लेके चलते हैं, बहुत ही सुंदर जगह है, सोमेश्वर के पास है, और वहाँ का छोटा सा ट्रैक है, वहाँ आपको लेके चलते हैं, और आप लोग बने रहिएगा,
क्योंकि विलेज की साइड हम जा रहे हैं और बहुत अच्छा सीनरी है, बहुत अच्छा व्यू है। तो ये रास्ता जा रहा है ये ऐसे करके, वहाँ पे विलेज है उस साइड पे हम जाएंगे और वहाँ लोकल से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आप लोगों को लेके सोमेश्वर घाटी के इस सुंदर से गांव में। और गाइस यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर खेती कर रखी है और यहाँ पे जंगली जानवर की भी प्रेजेंस है। और देखिए मतलब सूअर का ये काम होगा, खेत को कैसे उसने तबाह कर रखा है। ज़्यादातर वो जड़े अंदर से मिट्टी खोदते रहता है और खाने के लिए देखते रहता है, तो इस मारे ये चीज़ें ऐसे नष्ट कर देता वो कई खेतों को। तो यहाँ पे अभी गेहूं बोई है और साथ में प्याज भी है। तो ये देखो रिवर पार करने के लिए ये पुल बना हुआ है, कोसी रिवर। और कैसे गांव वाले अपने पालतू जानवर को यहाँ पे पाल रहे हैं। वहाँ भी बकरी है, दिन के टाइम में जानवर से खतरा नहीं होता है और अकेले भेजेंगे तो तब खतरा भी होता है, तो लोग बाग साथ में जाते हैं। तो ये देखो पहाड़ों में जो घर होते हैं कितने शानदार होते हैं और ये नज़ारा मिलता है। तो हमें वो ऊपर तक जाना है। तो यहाँ जानवर हैं पालतू और ये घर पहाड़ों के। तो यार एक अलग ही मज़ा है पहाड़ों में ट्रैक करने और पहाड़ों की तरफ आना। तो आप लोगों को भी मौका मिले तो आप पहाड़ों के विलेज में ट्रैक कीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा। और गैस ये होता है पहाड़ों में नौला, जहाँ पे लोग पीने का पानी एकदम शुद्ध पानी यहाँ पे मिलता है और यहाँ पे पूजा भी होती है। तो कपड़े धोना साफ मना है, साफ लिखा है शुद्ध पानी आप यहाँ से ले सकते हैं। यार अभी हम पहुँच गए हैं, ये अपना हेमू कमल और अनीस और ये छोटू, क्या नाम है आपका? नाम बताओ। नाम तो बताओ। छोटू सुनाएगा, जो गाना सुनाएगा उसको मिलेगा लड्डू। तो यार अब हम जाते हैं और ये है हमारे पुष्कर जी, तो इन्हीं की शादी थी, इसी उपलक्ष में हम सारे लोग आए थे। तो पहाड़ में हमने शादी एंजॉय करी बढ़िया करके और लेपर्ड भी आप लोगों को दिखाया। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग जा रहे हैं वापस अपने घर की तरफ। तो काफ़ी अच्छा, हमने काफ़ी ज़्यादा वेट करा और फुल डे हमने लगाया, तो काफ़ी अच्छी हमें साइटिंग हुई है लेपर्ड की और उसके कप्स हमें देखने को मिले और आप लोगों को भी दिखाएं। तो आप लोगों से मिलते हैं दोबारा किसी और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।